अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है और आज की वीडियो सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो में से एक वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ काफी सारे BMS। तो आज आप देख सकते हैं मेरे पास टेबल पर काफी सारे किस्म के जो है BMS आए हुए हैं डेली कंपनी के। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से BMS जो है मेरे पास अवेलेबल है और कौन कौन से BMS किस किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं, कितने कितने बैटरीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, कितने वोल्टेज के लिए, कितने पेयर के लिए। तो आज मुख्तलिफ किस्म के जो है BMS अवेलेबल हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक का बिजनेस करते हैं, आप बैटरीज का बिजनेस करते हैं, आप लिथियम बैटरीज वगैरह बनाते हैं, आपको जो है BMS के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा BMS किसके लिए इस्तेमाल होता है और कितने वोल्ट का, कितने एम्पीयर का BMS आपकी प्रोडक्ट के लिए रिकमेंडेड होता है। तो आज की वीडियो डिटेल से BMS के ऊपर होने वाली है। आज मेरे पास तकरीबन सारे BMS अवेलेबल है, तो इसलिए आज मैं मुकम्मल वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों की जो है इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो और आपके जो दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन वगैरह होती है BMS को लेके वो भी दूर हो जाए। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले। अगर आप लिथियम बैटरी का बिजनेस करना चाहते हो, लिथियम बैटरियां खुद बनाना चाहते हो, या BMS का ज्यादा आपका जो है काम है, तो आप इसी अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो है मेरी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते अपनी वीडियो। तो लीजिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ चीज़ें भी यूज़ हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लिथियम बैटरीज़ का बिजनेस अब स्टार्ट हो चुका है और लिथियम बैटरीज़ की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना लिथियम बैटरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है BMS की। अगर BMS नहीं होगा तो आपके उसके बगैर जो आपकी बैटरी जो है वो बेकार है। और जिन लोगों को नहीं पता BMS क्या होता है, तो BMS होता है एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सर्किट, ऐसा बोर्ड होता है जो कि आपके सेलों को, आपके लिथियम बैटरी को जो है ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ओवर करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इन सब चीजों से प्रोटेक्ट रखता है। तो अगर BMS के बगैर अगर आप कोई लिथियम बैटरी यूज करेंगे तो आपके सेल या तो ज्यादा ओवरचार्ज हो जाएंगे, या तो ओवर डिस्चार्ज हो जाएंगे, या फूल के खराब हो जाएंगे। तो इन चीजों से बचाने के लिए आपको लगाना पड़ता है BMS। और यहां पर मेरे पास काफी सारे BMS आ चुके हैं एक ही कंपनी के, जो कि है डेली। डेली एक वेल नोन कंपनी है जो कि हाई क्वालिटी BMS बनाती है। इनके BMS थोड़े कॉस्टली जरूर होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी, पायदारी और इनकी परफॉर्मेंस 100% होती है। तो ये काफी अच्छी चीज है। तो यहां पर काफी सारे BMS है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद आपको भी जो है इस वीडियो को देखकर काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप देख सकेंगे मेरे पास काफ़ी किस्म के BMS है, कुछ बड़े हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ चौड़े हैं। तो सबसे पहले हम छोटे BMS से स्टार्ट करते हैं, जो कि 12 वोल्ट का BMS है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये आ चुका है जी, 12 वोल्ट का BMS, जो कि 4S जिसको हम कहेंगे, और 4S का ये BMS है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्पेशल BMS होता है 12 वोल्ट के, जिसको हम लिथियम आयरन फॉस्फेट का BMS है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो BMS आपको कंपनी से मिलते हैं वो लिथियम आयरन में भी मिल जाते हैं, लिथियम फॉस्फेट में भी मिल जाते हैं, LTO टेक्नोलॉजी में भी मिल जाते हैं। यानी कि जो सी लिथियम सीरीज या जो सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप BMS परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल होता है, उसकी ही बैटरी ज़्यादातर बनाते हैं, तो वही BMS हमारे पास यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जिस भाई को जो है BMS चाहिए वो हमसे रब्ता भी कर सकता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने द्रास का स्टोर का लिंक दिया हुआ है, बर्न कार्ड का, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर से रब्ता कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तीन चार चीज़ें हैं, जगह हैं, वहाँ से आप इन BMS को खरीद सकते हैं। तो ये 4S का BMS ये है जी, 4S में लिथियम आयरन फॉस्फेट में है, 50 एम्पीयर का BMS है, साथ में जो है इसकी चार्जिंग 15 एम्पीयर है, 30 एम्पीयर का BMS चार्जिंग 15 एम्पीयर है, और साथ में 12 वोल्ट का है विद बैलेंस पोर्ट, और इसके साथ स्पेशल डेडिकेटेड सेंसर वायर लगाई गई है ताकि आप अपने BMS को जो है ये बता सकें कि हमारी बैटरी अगर ओवरहीट हो तो वो भी ट्रिप हो जाए, तो ये ओवरहीट प्रोटेक्शन भी देगा। और इस BMS का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं, छोटी मोटरसाइकिल के लिए, गाड़ी के लिए, या किसी चीज़ के लिए आपको 30-40 एम्पीयर तक की बैटरी बनानी है, तो उसके लिए ये बेहतरीन BMS है। तो ये लिथियम आयरन फॉस्फेट के लिए स्पेशल BMS है 12 वोल्ट के लिए। तो ये हम 12 वोल्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब 12 वोल्ट से ऊपर चले जाते हैं तो ज़्यादातर यूज़ होता है 12 वोल्ट के बाद 24 वोल्ट। तो इसके बाद हमारे पास आ चुका है जी 24 वोल्ट में BMS। यहां पर आप देख सकते हैं इस 24 वोल्ट को कहेंगे जी 8S का BMS, और ये 24 वोल्ट में है। इसकी जो है डिस्चार्ज करंट 50 एम्पीयर है, चार्जिंग करंट 25 एम्पीयर है, कॉमन पोर्ट के साथ है, साथ में इसके साथ भी डेडिकेटेड जो है सेंसर वायर दी गई है। इस BMS का फायदा ये है कि अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं, जो कि आपके इन्वर्टर वगैरह में यूज होती है, 50 एम्पीयर की, 100 एम्पीयर की, 200 एम्पीयर की, तो उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि 50 एम्पीयर के लिए तो आपका एक BMS यूज होगा, अगर आप 100 एम्पीयर की बनाते हैं तो 100 एम्पीयर के लिए बड़ा यूज होगा। अब 100 एम्पीयर के लिए कौन सा BMS यूज होगा वो भी मैं
दिखाया, तो जैसे कि मेरे पास ये आ चुका है सेम डेली का BMS है और ये भी 8S के अंदर है, लेकिन इसके एम्पेयर ज़्यादा है क्योंकि ये मैक्सिमम 100 एम्पेयर का है, और इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में फ़र्क देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये 50 एम्पेयर का है, ये छोटा बच्चा है और ये बड़ा है, यानी कि ये 100 एम्पेयर के अंदर है। तो ये फ़र्क है दोनों BMSों के अंदर, हैं दोनों 24 वोल्ट में, दोनों 8S हैं, दोनों के साथ सेंसर वायर है, लेकिन ये 50 एम्पेयर बैटरी के लिए है, ये 100 एम्पेयर बैटरी के लिए, तो दोनों जो है 24 वोल्ट में है। तो ये कन्फ्यूजन भी आपकी दूर होगी कि होगी होगी कि ये दिखने में जो BMS एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है तो इनमें क्या फ़र्क है, तो ये एम्पेयरों का फर्क होता है। अगर एम्पेयर कम होंगे BMS का साइज़ छोटा हो जाएगा, एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे BMS का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं अगले BMS में जो कि है 36 वोल्ट का BMS। जो 36 वोल्ट का आपको पता ज़्यादातर BMS यूज़ होता है इलेक्ट्रिक साइकिलों में, इलेक्ट्रिक व्हील चेयरों में, ये यहाँ पर ज़्यादातर ये बैटरी यूज़ हो रही होती है। तो इसके लिए हमने स्पेशल डेडिकेटेड जो है लिथियम आयरन फॉस्फेट का 36 वोल्ट का 12S का BMS मंगवाया है, जिसके डिस्चार्ज करंट 30 एम्पेयर है, चार्जिंग करंट 15 एम्पेयर है, कॉमन पोर्ट के साथ है, स्पेशल इसके साथ डेडिकेटेड लगाई गई है सेंसर वायर। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इलेक्ट्रिक साइकिलों में इस्तेमाल हो रहा था। अगर आप 36 वोल्ट तक की बैटरी बनाते हैं तो ये BMS मुझे बहुत कमाल का लगता है, क्योंकि इसके जरिए आप 36 वोल्ट की कोई भी बैटरी बनाकर यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये 36 वोल्ट में जो है बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन होता यूज़ है। तो अभी अगली जो BMS की बारी आ चुकी है वो है 48 वोल्ट का BMS। तो 48 वोल्ट में भी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे BMS पड़े हैं, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, ये आ चुका जी 48 वोल्ट का 16S का BMS, और ये 48 वोल्ट में स्पेशल 50 एम्पीयर का BMS है, साथ में इसके बाद कॉमन पोर्ट दी गई है पैरेलल, और उसके बाद यहाँ पर सेंसर वायर स्पेशल दी गई है, 16S के अंदर है, लिथियम आयरन फॉस्फेट में है, और ये है 50 एम्पीयर का BMS। और इसके साथ सेम अगर बड़े BMS को दिखाऊं तो 100 एम्पीयर का वो आप देख सकते हैं, वो ये है सेम, दिखने में तकरीबन जो है 12S जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये 48 वोल्ट का है, 16S में है और 100 एम्पीयर में है। इसके साथ भी डेडिकेटेड सेंसर वायर दी गई है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एज अ हीट के लिए, साथ में बैलेंस बोर्ड की जो है ग्रिप है, और दोनों का शेप दे सकते हैं, ये 50 एम्पीयर वाला है, ये 100 एम्पीयर वाला है। तो दोनों 48 वोल्ट में, अगर आपने 48 वोल्ट की लिथियम की बैटरी अपने UPS के लिए बनानी है 50 एम्पीयर की, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने 100 एम्पीयर की बना रही है, 200 एम्पीयर की बनानी है, तो आप ये बड़ा BMS इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों का फ़र्क है। तो इसी तरह मेरे पास जो है सेम 12 वोल्ट का भी BMS पड़ा है जी, 12 वोल्ट 100 एम्पीयर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको 12 वोल्ट का पहले 30 एम्पीयर का दिखाया था, ये छोटा BMS, तो ये 30 एम्पीयर का आ चुका है, ये जो है 100 एम्पीयर का, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क है, इनकी जो है मोटाई में देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क है। तो ये 100 एम्पीयर में है, तो 100 एम्पीयर के जितने BMS होंगे वो इसी शेप के अंदर रहेंगे, 30 40 50 100 60 एम्पीयर तक आपको इस शेप में मिलेंगे, और ये भी मुख्तलिफ शेपों में BMS आते रहते हैं डेली की तरफ से। और अगला BMS जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बाइक में, जो कि है 60 वोल्ट का और 72 वोल्ट का, तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास सबसे पहले 60 वोल्ट का BMS। इस बार हमारे पास नई टेक्नोलॉजी में BMS आया है, पहले हमारे पास BMS आता था उसके साथ जो है स्पेशली डेडिकेटेड तार नहीं होती थी जो कि सेंसर वायर है, अब ये जो BMS आ रहा है ये 60 वोल्ट में है, 20S में है, 30 एम्पीयर का है, विद बैलेंस कॉमन पोर्ट है, और साथ में सेंसर वायर भी अटैच है, क्योंकि पहले जितने भी BMS आ रहे थे बगैर सेंसर के आ रहे थे, लोग कहते थे भाई हमारी बैटरी हीट हो जाती है, तो अगर ये BMS लगा होगा तो आपकी बैटरी हीट होने से भी ख़राब होने से बच सकती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस तरह ही मैंने इसके साथ ही एक और BMS मंगवाया है जो कि ये वाला है। अब ये लोग कहेंगे भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या बुलाएं, भाई ये है जी सेम 60 वोल्ट का 30 एम्पीयर का BMS, लेकिन इसके अंदर ये फ़र्क है कि ये स्मार्ट BMS है, इसके साथ आती है स्पेशल डेडिकेटेड डोंगल। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की डोंगले मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं, तो इस डोंगल का काम ये है कि ये ब्लूटूथ डोंगल है और ये आपके BMS के साथ लग जाती है, जिसकी वजह से आपका BMS स्मार्ट बन जाता है, और आप ऐप के जरिए अपने BMS के जरिए ऐप के जरिए जो अपनी बैटरी की कैपेसिटी, वोल्टेज, सेलो की रीडिंग वगैरह सब चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। इस BMS का ये फ़ायदा है। तो ये 60 वोल्ट का BMS नॉर्मल BMS है और ये 60 वोल्ट का BMS स्मार्ट BMS है, तो ये दोनों में फ़र्क है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज भी होंगे कि भाई स्मार्ट BMS को ऐसा होता है और नॉर्मल कैसा होता है, भाई नॉर्मल ऐसा है, स्मार्ट ऐसा है, तो ये फ़र्क है दोनों BMSों में। तो अब आ चुके हैं जी तीसरे आखिरी वाले हमारे BMS में, जो कि हमारा 72 वोल्ट का BMS, जो कि हम 72 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करते बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम 24S का 72 वोल्ट का BMS कहते हैं, और ये भी लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी में है, और ये भी है 30 एम्पीयर का, 15 एम्पीयर चार्जिंग करंट है, और साथ में कॉमन बैलेंस पोर्ट है, और इसके साथ बैलेंस की ये वायर्स होती हैं। तो वायर बैलेंस की सबके साथ होती हैं, ये बहुत से लोग शायद समझेंगे शायद इनके साथ बैलेंस वायर नहीं है, इनके साथ सिर्फ लगाई नहीं हुई, तो वरना आपको बैलेंस वायर हर BMS के साथ अपनी अपनी मिलेगी। तो ये 24S अगर आप 72 वोल्ट तक की बैटरी बनाते हैं, जिसके अंदर आपके पास अगर हैवी बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक का, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या इलेक्ट्रिक कार गाड़ी है, उसके लिए आपको 72 वोल्ट की बैटरी बनानी होती है, तो उसके लिए आप इन BMS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन सारे BMS दिखा दिया, 12 वोल्ट से लेकर मैंने आपको 72 वोल्ट तक के BMS दिखा दिया, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड है अच्छे BMS लेने के लिए,
तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। हमारा द्राज का स्टोर है बर्न कार्ड का, वहाँ से बाय कर सकते हैं। अच्छा रिटेल या अच्छा होलसेल में रेट लेना चाहते हैं, अगर आप डीलर हैं या आप होलसेल में प्राइस चाहते हैं, बल्क में सामान लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे पास। क्वान्टिटी में BMS, क्वान्टिटी में लिथियम सेल, लिथियम बैटरीज अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी BMS के ऊपर। अगर आप कन्फ्यूज थे, उम्मीद है आपकी कन्फ्यूजन भी दूर होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोज लेके आऊँ तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह और नई से नई वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बस दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। अल्लाह हाफिज़।